हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज मैं आपको एक सुंदर सा प्यारा सा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी ये ड्रेस मैंने पाँच नंबर के कान्हा जी के लिए तैयार की है आप चाहो इसे किसी भी नंबर में तैयार कर सकते हो ये डिज़ाइन छोटे बड़े सभी नंबर के जी के लिए आप इजी तरीके से बना सकते हो वीडियो के एंड में मैंने बताया है आप इसे छोटे नंबर के जी के लिए कैसे बनाओगे और बड़े के लिए कैसे तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने पांच नंबर की चोली पहले ही बना के तैयार रखी है पांच नंबर की चोली का वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो चलिए इसके आगे का डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं चोली के एंड में हमारे पास यहाँ ट्वेंटी फाइव डबल क्रोशे हैं इसका आगे का डिजाइन हम वाइट से बनाएंगे तो देखिए मैंने जो हम डिजाइन बनाएंगे उसके कुछ यहाँ पे सर्कल बना के तैयार रखे हैं तो पहले हम ये सर्कल बनाएंगे टू एम एम का मैंने यहाँ क्रोशा यूज किया है पहले हम यहाँ एक नोट लगाएंगे एक दो तीन चार पांच छ छः चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे फिर एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और इसी सर्कल में हमें यहाँ पे नाइनटीन डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक तीन की चेन तो टोटल ट्वेंटी हो जाएंगे तो तीन की एक चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः तो हमने यहाँ पे ट्वेंटी डबल क्रोशिया बना लिए हैं और जो ये तीन की एक चेन थी इसकी हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे अब इसके बाद एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पे यहीं पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो यहाँ एक ही चेन में हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए तीन की एक चेन को हमेशा हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे फिर नेक्स्ट चेन में हमें दो डबल क्रोशिया बनाने एक सेम प्लेस पे एक और फिर नेक्स्ट में दो बनाने हैं एक दो तो इस तरीके से हमें सभी चेन में यहाँ दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं ट्वेंटी के ऊपर हमारे यहाँ फोर्टी डबल क्रोशिया आ जाएंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे ट्वेंटी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं तो यहाँ पे हमारे फोर्टी डबल क्रोशिया आ गए हैं अब जो तीन की एक चेन है इसकी थर्ड चेन में हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे अब फिर से एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और फिर सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया और तो एक ही चेन में यहाँ दो डबल क्रोशिया हो गए हैं फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में दो बनाएंगे हम एक फिर सेम प्लेस पे एक और फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे फिर नेक्स्ट में दो बनाएंगे हम एक और सेम प्लेस पे एक और तो इस पूरे राउंड में हमें एक चेन में एक बनाना है और एक चेन में दो बनाने हैं तो इस तरीके से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे तो देखिए हमारा ये सर्कल पूरा हो गया है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा और हमने यहाँ पांच सर्कल पहले ही बना के रखे थे अब हम इसको एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो हम इसको यहाँ रेड धागे से अटैच करेंगे तो पहले हम एक सर्कल उठाएंगे और इसमें रेड धागे को यहाँ अटैच कर लेंगे एक पर फिर नेक्स्ट चेन में एक पर तो एक दो तीन चार अभी हम सभी में सिंगल क्रोशिया करते हुए चलेंगे पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेहर चौदह, पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तो अब इसको हम एक सर्कल उठाएंगे अपना और इसको इसके साथ कहीं से भी हम इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे दोनों को हमने इसको रॉन्ग साइड से रखा है दोनों को ये हमारा राइट साइड है दोनों साइड देखिए हमने इसको यहाँ अटैच कर लिया है अब इसको अपने वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे अब जो ये वाला हमारा सर्कल है इसके ऊपर हम यहाँ पे एटीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन हमने यहाँ पर फोर्टीन सिंगल क्रोशे बना लिए हैं और यहाँ से भी हम फोर्टीन ही काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन आगे हमारी चार चेन बच गई है यहाँ पे तो इसको यहां पे हम चार चेन छोड़ के वन टू थ्री फोर और इसको यहाँ अटैच कर देंगे अब फिर से यहाँ पे चार चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमने फोर्टीन चेन ली थी इस वाले सर्कल में यहां पे फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो यहां पे भी हमारी चार चेन हो गई है अब इसके बाद चार चेन के बाद हम फिर से यहाँ पे इसके बाद हम फोर्टीन सिंगल क्रोश और बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और चार हमारी चेन यहाँ पे थी वो भी इसी के अंदर काउंट हो गई है तो टोटल यहाँ एटीन हो गए हैं हमारे अब हम नेक्स्ट सर्कल इसमें अटैच करेंगे ये हमारा रोंग साइड है ये हमारा राइट साइड है तो हमें रोंग साइड को रोंग साइड से मिलाना है और राइट को राइट से अब फिर से हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे और यहाँ पे फिर से एटीन हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन हमें यहाँ पे फोर्टीन सिंगल क्रोशिया बना के इसको पहले यहाँ पे हम वन टू थ्री फोर फोर चेन छोड़ के फिफ्थ चेन में हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे और फिर यहाँ पे आगे हम चार चेन और बनाएंगे वन टू थ्री फोर तो देखिए इस तरीके से ये हमारे सर्कल अटैच होते जाएंगे एक दूसरे के साथ ऐसे हमें सभी सर्कल ऐसे ही अटैच करने हैं तो पहले मैं सारे सर्कल अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ अब आगे यहाँ पे फिर से मैं फोर्टीन सिंगल क्रशे बनाऊंगी फिर से वापस जाऊंगी जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ और फिर यहाँ पे फोर्टीन सिंगल क्रशे बना के चार चेन छोड़ के एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे नेक्स्ट सर्कल को तो इस तरीके से राउंड को कम्प्लीट करेंगे देखिए मैंने अपना ये राउंड कम्प्लीट कर लिया है अब लास्ट में मैं इसको कैसे अटैच करूंगी ये भी आपको बता देती हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ चार सिंगल क्रोशिया हमारे हैं तो यहाँ से हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो जो ये हमारी फोर्टीन चेन है यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे और चार चेन हमारे यहाँ थी तो आप सभी चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए इसको हम यहाँ तक लेके आएंगे यहाँ तक ये यह हम लास्ट में यहाँ पे आ गए हैं और इसको जो हमारे ये वाला राउंड था यहाँ से वन टू थ्री फोर फोर चेन छोड़ के हमें यहाँ फिफ्थ चेन में इसको सिंगल क्रोशे से यहाँ पे अटैच कर देंगे फिर एक चेन और धागे को कट कर देंगे यहाँ पे हम और देखिए हमारे ये सर्कल बनके तैयार हो गया है ये इस तरीके से हमारा डिजाइन आएगा ऐसे हमारा डिज़ाइन आएगा देखिए और जो हमारी चोली है इसको हम यहाँ पे निडल की सहायता से स्टिच कर देंगे तो पहले मैं निडल से इसको यहाँ पे अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ सभी मैंने अपनी चोली को यहाँ पे पूरे घेरे के साथ अटैच कर दिया है और जो ये बीच में पत्तियाँ बन के आई हैं यहाँ पे मैंने मोती लगा दिए यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी देखिए तो आप मोती चाहे जिस भी कलर के लगा सकते हो और इस तरीके से अपने ड्रेस को बड़ा सुंदर सा बना सकते हो आप इसे छोटे नंबर के काना जी के लिए जो हमने सर्कल बनाए थे यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे ट्वेंटी डबल क्रोशे लिए थे आप यहाँ पे इसे छोटे के लिए यहाँ पे सिक्सटीन डबल क्रोशे से स्टार्ट किए चार नंबर के लिए और सिक्सटीन के ऊपर फिर यहाँ पे उसके डबल कर दीजिए इसमें थर्टी टू हो जाएंगे फिर उसके बाद इसमें एक एक चेन में एक एक चेन में दो इस तरीके से हम अपने राउंड को कंप्लीट करके चार नंबर के काना जी के लिए तैयार कर सकते हैं और तीन नंबर के लिए फोर्टीन डबल से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर दो नंबर के लिए हम यहाँ पे टेन डबल से स्टार्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से हमें आप छोटे बड़े जी के लिए सभी के लिए ये ड्रेस बना के हम तैयार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसे आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू